बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। तो आज मैंने सोचा कि जी नाश्ते से शुरुआत करते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। काफ़ी अर्सा हो गया जी मैंने शेयर ही नहीं किया। वैसे तो सेम ही रूटीन होती है, पराठे होते हैं, चाय होती है, साथ में रात वाला कोई सालन या फिर अंडा ऑमलेट वगैरह। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि जी आप लोग साथ शेयर करती हूँ। और चाय डालते हुए थोड़ी सी गिर गई थी क्योंकि मैं मोबाइल पर मेरी नज़र थी, तो ये भी अक्सर हो जाता है। मेरे हस्बैंड का तो बिल्कुल भी गुजारा नहीं है बगैर पराठे के, तो ये चीज़ मस्ट है सुबह के टाइम पे। नाश्ते करने के बाद फिर हम निकल चुके थे बाहर, मैं और मुस्तफ़ा। बड़ी सर्दी है जी यहाँ पर, बहुत ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर, इतनी ठंडी हवा, कल तो बहुत ठंडी थी, आज थोड़ी बेहतर है। तो अभी हम बाहर निकले हैं, कुछ काम है छोटे मोटे वो कर लें। मैंने कहा चलो आप लोगों से सलाम दुआ कर लेते हैं और अब हम बैठते हैं गाड़ी में, क्योंकि काफ़ी देर से मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी ताकि वो हमारे बैठते ना गर्म हो। आए हाय, इस मास्क को खोलते हैं और पहनते हैं और फिर आपसे बात करते हैं, ठीक है? मुस्तफ़ा हाय करो मेरे व्यूवर्स को हाथ हिला के। गुड जॉब, गुड जॉब। यार इतनी सर्दी है यहाँ पे कि अब मैं वाकई चाहती हूँ कि गर्मियाँ आ जाए। मतलब हम बाहर ही नहीं निकल सकते, कि मेरा अपना दिल नहीं करता। वो इतनी ठंडी हवा चलती है ना कि बॉडी फ्रीज हो जाती है, काम करना छोड़ देती है, जिसकी वजह से मैं ब्लॉग भी नहीं बना सक रही कि बाहर ही नहीं निकलना हो रहा। घर में बिल्कुल स्टक हुए हुए हैं ज़्यादा सर्दी की वजह से। अब कल जुम्मे, कल इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि हम जुम्मा पढ़ने जाए, मैं थोड़ी बहुत ग्रोसरीज करूँ उस तरफ से। तो वैसे ही कल मैंने देखा है धूप भी है, तो कल क्या पता मौसम अच्छा हो। धूप निकलती है तो जान में जान आ जाती है। ये देखिए जी, ये अपने डॉगी के साथ बाहर आए हुए हैं। ये इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं हमेशा आती हूँ इसके साथ, इतना प्ले कर रहा होता है ना और काफ़ी मोहब्बत करता है। खैर यहाँ पे लोग अपने पेट्स के साथ बहुत ही अटैच हैं। दूसरा ये कि चाहे जैसा मर्जी मौसम हो, इनको वॉक ज़रूर देते हैं, चाहे सर्दी है, गर्मी है, बर्फ़ है, रेन, वट एवर। तो अभी मैंने यहाँ पे अंदर बस छोटे से एक दो किचन की चीज़ें देखनी है और शायद मैं आप लोगों को दिखा दूँ अगर इस बच्चे ने मुझे तंग ना किया, क्योंकि आजकल ये मुझे इतना तंग कर रहा है। मैं राइट, ये लेफ़्ट, ये लेफ़्ट, मैं राइट, मतलब सेम चीज़ है। लाइक हम दोनों की डायरेक्शंस अलग अलग होती हैं और मैं बहुत तंग होती हूँ इसके साथ, बहुत ही ज़्यादा। तो लेट्स सी क्या होता है। विश मी लक। ये हायर कर रहे हैं, जॉब पे लगवा दूँ यहाँ पे। मुस्तफ़ा हाथ दो, चलें प्लीज, हाथ दो मामा को। अच्छा हाँ, पढ़ लिए, चलो सारा डन हो गया, चलो लेट्स गो। अच्छा, शादी के बाद मुझे पता लगा कि बर्तनों में भी इतना इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है, क्योंकि अब मुझे अपने किचन के लिए, गेस्ट्स के लिए ना खूबसूरत बर्तन लेना बहुत पसंद है। अब तो मैंने खैर काफ़ी अर्सा हो गया शॉपिंग नहीं की इस तरह की। आज भी मैं सिर्फ कुकिंग पैन ही लेने आई थी, लेकिन पहले मैं बहुत करती थी और स्टिल अभी भी मेरे पास बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। और ये देखिए जी, केटल्स कितनी खूबसूरत है। मतलब अब तो वाकई आई कैचिंग चीज़ें मुझे लगती हैं ये। और अनमेरिड गर्ल्स को स्टिल लगता होगा कि ये क्या अजीब है, लेकिन शादी के बाद आप लोग भी ना यही करेंगे कि खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें आप लोगों को भी बड़ी प्यारी लगेंगी। और मुझे तो ना फ्रेंच स्टाइल्स में वो बर्तन या वो जो खूबसूरत फ्लावर्स जिस पे बने हुए होते हैं वो टी कप्स इतने पसंद हैं। लेकिन चाय मुझे नहीं पसंद, लेकिन स्टिल मुझे वो बहुत पसंद है। और मुस्तफ़ा साहब अपनी मर्ज़ी की चीज़ें कार्ट में रख रहे थे। तो खैर बच्चों के साथ तो ये लगा रहता है मेरा, मतलब जैसे कि मैं बहुत पहले भी कह चुकी हूँ कि जहाँ पे 10 मिनट लगने होते हैं वहाँ पे 20 लग जाते हैं इस बच्चे की वजह से। तो खैर वहाँ से जो चीज़ें मैंने ली वो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी। और यहाँ पे मैं आ गई गोल्डन। अच्छा, मैंने एक दो दिन पहले ही घर की प्रॉपर ग्रोसरी की, लाइक सब्ज़ी और यू नो फ्रूट्स वगैरह, लेकिन फिर भी मैं 3-4 चीज़ें भूल गई, तो वो मैंने लिख लिया। इस दफ़ा मैंने अपने पर्स के ऊपर ही लगा दिया था, क्लच के ऊपर, ताकि मुझे याद रहे। और गोल्डन में मैं आती हूँ जी बटर लेने के लिए, मेल्टेड बटर, लेकिन बाकी चीज़ें जैसे कि वो मैं भूल गई थी तो वो भी मैं लेने आ गई। तो यहाँ पर ओनली मैं बटर पर्पस के लिए आती हूँ। और यहाँ से पिज़्ज़े के लिए वकार लोग बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, जैसे कि आप लोगों को बड़ी क्वांटिटी में बल्क फॉर्म में चीज़ें नज़र आ रही होंगी। पास्ता हो गया, चाहे वो सॉसेस हैं, चाहे चीज़, लाइक बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बल्क क्वांटिटी में, लाइक बड़ी क्वांटिटी में मिलती हैं। और उसने ही मुझे बताया था यहाँ से एक दफ़ा ही बटर ले लिया करो, रोज़े तुम्हारा ख़त्म हो जाता है। तो यहीं से ही मैं बटर ले लेती हूँ घर के लिए और वही मैं यूज़ करती हूँ पराठों के लिए भी। तो आज भी बस मैं वही लेने आई हुई हूँ। और ये देखिए जी, आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें कितनी नज़र आ रही होंगी ना, ह्यूज क्वांटिटी में। खैर छोटी भी होती हैं लेकिन बड़ी क्वांटिटी में भी यहाँ पे मिलती हैं। तो ये मैंने ले लिया जी बटर। और बैड लक चेक करें जी कि हॉरक्स पे जिस दिन मैं ग्रोसरी करने गई थी तो उस दिन वहाँ पे योगर्ट नहीं थी, वहाँ का रैक खाली था। मैंने सोचा कि चलो गोल्डन जाऊँगी, वहाँ से ले लूँगी। और यहाँ पर भी योगर्ट नहीं है, ओनली ग्रीक योगर्ट थी और वनीला फ्लेवर में। तो मैंने कहा चलो बस मेरे नसीब में ना अब वैसे ही फिरना है, अब फिर कहीं और भी जाना पड़ेगा योगर्ट के लिए। तो यहाँ पे देखिए जी, बाकी किचन की चीज़ें भी बहुत सारी हैं। यहीं से ही अगर मतलब इंसान अपने बिज़नेस के लिए चीज़ें लेना चाहे तो वो ले सकते हैं, और बहुत सारे लोग लेते भी हैं। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं फ्राइज़ और बहुत सारी चीज़ें बड़ी कॉटन फॉर्म में पड़ी हुई हैं। ठीक है, अच्छा चेकआउट के बाद मैंने यहाँ से कॉटन ले लिया क्योंकि शॉपर वगैरह ये नहीं देते, और इसी में ही मैंने चीज़ें रख ली ताकि घर लेके जाने में आसानी हो अंदर। तो ये मैंने इस तरह सेटअप कर लिया सारा, और अब मैं रख दूँगी गाड़ी के अंदर चीज़ें। मुस्तफ़ा बाय बाय करो डियर को। वाओ डियर डियर, हमने जी रास्ते में डियर भी देख लिया। चलो अब चलते हैं घर, ठीक है, बाय बाय। अच्छा जी, ये छोटी सी शॉपिंग मैंने की है आज की। मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ। सबसे पहले मैंने एक छोटा सा जूसर ख़रीदा। पहले मेरे पास एक और भी था लेकिन उसमें ना वो थोड़ा बड़ा था, मुझे ऐसे मतलब छोटा मोटा सा हल्का फुल्का सा चाहिए था। ठीक है, और दूसरा मुझे इस तरह का चाहिए था जिसके ऊपर मैं ऑरेंज रख के कर सकूँ। जो मेरे पास था वो किचन एड के साथ लगता है, मतलब उसके साथ अलग एक हिस्सा है, तो वो मुझे इतना कंफर्टेबल नहीं फ़ील होता था। खैर लेट्स सी, ये भी मैं यूज़ करती हूँ, अगर मुझे अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं इसको वापस करवा दूँगी। रसीद मेरे पास ही है। यहाँ पे ये अच्छी चीज़ है कि आप लाइक कर सकते हैं वापस, ठीक है, या विदिन 7 days या विदिन 30 days। तो साथ में मैंने ये 3 अदद बेकिंग ट्रेज़ ली हैं जो कि मुझे बड़ी ज़रूरत थी। ये थोड़ी बड़ी ली है मैंने, इसके अंदर अक्सर मैं लैम्ब लेग्स और क्या कहते हैं वो जो रोस्ट करती थी ना जिसमें, तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था, तो मुझे अभी नॉन स्टिक सा चाहिए था, तो ये वाला मैंने ले लिया। एक ये छोटा मैंने ब्राउनीज़ के लिए लिया, मुस्तफ़ा को ब्राउनीज़ बड़ी पसंद होती हैं। और ये साथ में मेरे पास एक ये नहीं था जो वो टी केक नहीं होता, पाउंड केक उसको कहते हैं क्या, उसके लिए मुझे ये चाहिए था। साथ में ये बर्तन धोने के लिए स्पंज वग़ैरह 2 अलग किस्म के एक मैंने निकाल लिए क्योंकि अभी मुझे चाहिए था। और मैं ग्लव्स के बगैर बर्तन नहीं धो सकती, लाइक मुझे नफ़रत है, नफ़रत जिसको कहते हैं ना वो है। तो मेरे कल ग्लव्स फट गए थे, तो बड़ी मुश्किल, कल नहीं सॉरी परसों, तो बड़ी मुश्किल से मैंने कल का दिन गुजारा था। मैंने कहा बस आज मैं किसी तरीके से जाऊँ और लेकर आऊँ। तो ये जी मेरी छोटी सी आज की घरेलू शॉपिंग हो गई, मैंने सोचा कि आप लोग के साथ शेयर करते हैं। अच्छा जी, इस ड्रॉ में मेरे पास सारी बेकिंग की चीज़ें हैं। यहाँ पे मैंने ये दोनों चीज़ें भी सेट करके रख दी हैं, ठीक है, इन दोनों के लिए, ताकि सारा जो सामान है ना वो बेकिंग का है। और मुस्तफ़ा हर वक्त इनको निकाल के खेलता रहता है, कभी क्या डालता रहता है। तो खैर ये मैंने सारी चीज़ें रखी हुई हर तरह की। वाह वाह, मुस्तफ़ा के हाथों में क्या है? One. Hands up. अब देखें जरा, गन भी चलाता है बीच में अपनी। रखो। ओहो। यहाँ पर जी रात के टाइम पे बाबा और मुस्तफ़ा की लाडियाँ पारियाँ चल रही हैं और मैं एंजॉय कर रही होती, क्योंकि जैसे ही मेरे हस्बैंड घर आते हैं ना तो मुस्तफ़ा उनको कहता है हॉर्स बने, और बाकायदा आवाज़ निकालता है। क्या पैसे करें, तो ये रोज़ का इनका काम है। अक्सर तो मेरे हस्बैंड कहते हैं मेरी कमर दुख गई है इस लड़के की वजह से, क्योंकि ये नहीं थकता। जाहिर बात है बच्चे तो एनर्जेटिक होते हैं, वो तो रात को घर आते हैं थके हुए, तो ये प्रॉपर आधा पौना घंटा ना इनका ये चल रहा होता है। आजकल इतनी ठंड है कि मेरे घर में तो बहुत ज़्यादा पकोड़े बन रहे हैं, मतलब मुझे ख़ुद भी इतना दिल करता है, फिर मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। तो आज भी मैंने पकोड़े ही बनाए, मैंने कहा चलो पकोड़े बनाती हूँ। और दूसरा ये कि जब मैं पकोड़े बना रही होती हूँ ना उस टाइम पे कोई भी घर नहीं होता, क्योंकि मैं ऐसी टाइमिंग पर शुरू करती हूँ। मैं कहती हूँ जैसे ये लोग पहुँचे तो बस सारे पकौड़े और हर चीज़ रेडी हो। तो व्लॉग मैं शूट कर रही होती हूँ, लेकिन बिल्कुल जो एंड पार्ट होता है ना पकोड़े बनने के बाद वाली वीडियो, मैंने कभी भी शूट नहीं की। तो आज भी मैं जब अभी वॉइस ओवर कर रही थी तो मैंने कहा ये कि आज फिर मेरे पास आफ्टर वाली कोई सीन ही नहीं है, तो मैंने कहा चलो बता देती हूँ कि जब सारे घर आ जाते हैं ना तो फिर बिल्कुल ही मेरे जहन में नहीं रहता कि मैं व्लॉग करूँ या कुछ शूट करूँ। अच्छा, जुम्मा मैंने पढ़ना था मस्जिद में, लेकिन बस इतनी लेज़ीनेस, इतनी ठंड, फिर बच्चा क्रैंकी, तो मैं नहीं पढ़ सकी। मैंने सोचा कि चलो घर में पढ़ लेते हैं। फिर असर वग़ैरह भी मैंने सोचा कि अब पढ़ के निकलते, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता, 3 बजे असर हो जाती है। तो फिर असर वग़ैरह पढ़ी और अब मैं और मुस्तफ़ा निकल पड़े हैं मस्जिद की तरफ। अच्छा, मस्जिद मैंने इसलिए भी जाना था कि पिछले कुछ दिनों से मैं दोबारा से डीप क्लीनिंग कर रही थी और बहुत सारी अलमारियों में, मतलब वकार ख़ान, मेरे हस्बैंड, मेरे, मैं हर बंदे के कमरे में देख रही थी कि किस किस का, मतलब बिल्कुल नए नए कपड़े अगर पड़े हुए और कोई नहीं पहन रहा तो वो मैं डोनेट कर दूं, कि बजाय कि किसी नीडी बंदे को ज़रूरत हो और वो पहन ले, ठीक है। क्योंकि ख़ान के भी बहुत सारे कपड़े ऐसे थे, साइज़ छोटे हो चुके थे, वकार के भी, और वैसे ही लटके हुए थे, यू नो, क्योंकि टाइम ही नहीं था इनके पास कि खुद छांटी करते। तो मैंने खुद ही इनिशिएटिव लिया, मैंने कहा चलो मैं ही इनकी अलमारियाँ साफ़ करती हूँ और जो छोटे कपड़े हैं और बिल्कुल नए नए हैं तो वो मैं डोनेट कर देती हूँ और मस्जिद में डोनेट करूँगी इस दफ़ा। वैसे तो आप लोगों को पता है मैं थ्रिफ्ट में करती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने इरादा किया हुआ था मस्जिद का। और बस फिर मैं यहीं पे ले आई, मैंने कहा चलो ये काम कर लें, और साथ ही बिल्कुल देसी स्टोर है तो अब मैं वहाँ आ गई हूँ ग्रोसरी करने के लिए। रूह अफ़ज़ा का दीवाना इधर भी पकड़ रहा है, बल्कि जाम शेरी है। चलो वापस रखो, वापस रखो, उठाओ, शाबाश, चलो ऊपर रखो। ओप्सी, जोर लगाओ ना। तो जी ग्रोसरियाँ हो गई हैं, यहाँ से आटा छाटा ले लिया, पराठे ले लिए ससुर के, और ऐसी ही छोटी मोटी चीज़ें, ठीक है। तो अब इनको रखते हैं गाड़ी में। गैस स्टेशन के बाहर आए और इसने रट लगा दिया, चाचू चाचू चाचू। ये स्ट्रीट फॉल में इतनी हसीन लगती है, मैंने स्पेशल यहाँ पर आकर वीडियो बनानी थी। बिल्कुल गैस स्टेशन के पीछे है, ठीक है, मतलब यहाँ पे घर वगैरह है, तो वीडियो मैंने बनानी थी, लेकिन यहाँ पे उन दिनों काम चल रहा था, आई थिंक रोड बन रहा था ना, तो ये उन्होंने बंद किया हुआ था। मैं इधर स्पेशल आई थी वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत लगती है, इर्द गिर्द दरख्त हैं और पत्ते ही पत्ते होते हैं, मतलब बहुत हसीन लगता है। मैं पुरानी कोई तस्वीर देखूंगी अगर मुझे मिल गई तो मैं लगा दूंगी यहाँ पे, लेकिन मैंने बताया, सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। जी, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट स्ट्रीट्स हेयर, मतलब फॉल के लिहाज से। तो ये एक छोटी सी रूटीन व्लॉग मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो अब मैं लेती हूँ इजाज़त, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, कमेंट करके ज़रूर बताना है, एंड काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।